हमने सिंपल तरीके से नूरी टोपी बनाई है फुल साइज में आप लोग हमारे चैनल पर कई प्रकार की नूरी टोपी देख सकते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए डिजाइनिंग सिंपल हमने ये नूरी टोपी किस तरीके से बनाई है इसकी वीडियो शुरू करेंगे दो फंदे हमने ये डाल लिए हैं अब दो फंदों के हम चार बनाएंगे एक फंदा ये ले लिया एक आगे की साइड से एक फंदे के दो हो गए दो फंदे दूसरे फंदे चार फंदे हो गए अब सेम इसी तरीके से चार फंदों के आठ करेंगे एक बार पीछे से लेंगे एक बार आगे से दो तीन चार पांच छ सात आठ दो फंदों के हमने पहले चार बनाए फिर चार के आठ बना लिए हैं पहला फंदा बीन लिया फिर धागा आगे करेंगे यहाँ पर हमने ये जाली निकाल ली है फिर धागा आगे करेंगे फिर जाली फिर धागा आगे फिर जाली ये लास्ट का फंदा अब उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बिनेंगे जाली वाले फंदों को भी इस तरीके से ये बिना हुआ फंदा है ये जाली का फंदा ये बिना हुआ है ये जाली का पूरे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं अब ये पंद्रह फंदे हो गए फिफ्टीन एक दो दो फंदे हमने बिन लिए यहां पर हमारी जाली थी ये जाली बना ली फिर एक फिर जाली धागा आगे करेंगे ये हमने जाली बना ली फिर जाली अब ये लास्ट के ये दो फंदे बिन लिए उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिन लाएंगे एक दो तीन तीन फंदे बिन लिए फिर यहाँ पे फिर जाली ये हमने जाली बना ली पर फिर जाली एक फंदे के इधर जाली और इधर जाली अब ये बीच का फंदा हमारा इसको हम इस तरीके से बिल लेंगे एक और एक ये जाली वाला फंदा दो दो फंदे यहाँ पर हमने जाली नहीं निकाली अब यहाँ पे जाली निकालेंगे फिर जाली फिर ये दो फंदे बीच के बिनेंगे एक दो दो फंदे बिन लिए यहाँ पे फिर जाली फिर दो फंदे बिनेंगे एक दो फिर जाली फिर दो फंदे बिन लेंगे फिर जाली फिर दो फंदे बिना जाली के बिना फिर जाली उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन्नी है इसमें कोई जाली नहीं निकली एक दो तीन ये हर सीधी सिलाई सी में एक एक फंदे बढ़ते रहेंगे तीन थे अब चार बिन लेंगे क्योंकि जाली से फंदे बढ़ रहे हैं अब ये चार बिन लिए जाली के ऊपर जाली निकालेंगे जाली निकाल ली फिर जाली अब ये सीधे फंदे ये भी बढ़ते रहेंगे एक दो तीन चार और पाँच फिर यहाँ पे फिर जाली 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 के ऊपर ही आएगी बाकी फंदे पूरे सीधे बिने जाएंगे बीच के फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे फिर यहाँ पे जाली सीढ़े बीच के फंदे सीधे इस तरीके से गोलाई में आते रहेगा अब यहाँ उल्टी साइड से हम ऊन को चेंज कर लेंगे हम दो ऊनों से बना रहे हैं आप लोग एक ही ऊन से भी बना सकते हैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे अब सीधी साइड से ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे जाली वहीं पे आएगी जहाँ पे जाली है जाली के ऊपर जाली पांच फंदे हो गए अब ये जाली आएगी फिर जाली बाकी ये बीच के फंदे ये बढ़ते जाएंगे एक सिलाई में पांच होंगे तो दूसरी सिलाई में सात हो जाएंगे क्योंकि ये बीच वाले फंदे क्योंकि एक फंदा यहाँ जाली से बढ़ रहा है एक फंदा ये जाली से बढ़ रहा है फिर जाली आएगी फिर जाली फिर बीच के फंदे सीधे जो डिजाइन है हमारा ये छह आएंगे जाली वाले एक दो तीन चार पाँच इसी तरीके से ऊपर को बीनते हुए जाएंगे उल्टी सिलाई में उल्टी उल्टी सीधी सिलाई में जाली अब हमारे पास पचानबे फंदे हो गए नाइन्टी फाइव फंदे अभी तक हम सीधा सीधा बिन रहे थे अब यहाँ से इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा इस तरीके से हमारा डिजाइन बन रहा है यहाँ तक हमने सीधा सीधा बिना यहाँ से हमने आठ चार रो एक दो तीन चार चार रो यानी कि आठ सिलाई आठ सिलाई हमने उल्टी उल्टी बिन ली है आप सफ़ेद कलर से सीधा बिनेंगे अभी तक हमने ये उल्टी लाइन भी नहीं अब यहाँ से सफ़ेद कलर से इस तरीके से सीधा बिनेंगे छह सिलाई इसी तरीके से सफ़ेद कलर से सीधा सीधा बीन लेंगे फिर उसके बाद आठ सिलाई इस कलर से उल्टा उल्टा बिनेंगे इसी तरीके से ऊपर टोपी को बिनेंगे यहाँ से हमने जहाँ से हमने उल्टा बिना यहाँ से हमने जालियाँ बंद कर ली यानी कि फंदे बढ़ाने बंद कर लिए हम एक ऊन से चार रो बिन रहे हैं यानी कि आठ सिलाई एक दो तीन चार चार रो आठ सिलाई हमने एक दो तीन चार पाँच छः छः बार एक ऊन से बीन लिया है एक दो तीन चार पाँच छ छः बार दूसरी ऊन से अब टोपी हमारी पूरी हो गई है ये फंदों को बंद कर देंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे इस तरीके से तरीके से पूरे फंदे हमारे बंद होते चले जाएंगे पूरे फंदे इसी तरीके से बंद कर लेते हैं पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं अब इसकी चौड़ाई नापेंगे इसको डबल कर लिया है आठ इंच यानी कि सोलह इंच क्योंकि ये डबल है सोलह इंच चौड़ाई और साढ़े आठ इंच लंबाई इस तरीके का डिजाइन हमारा इसका पीछे आ रहा है इस तरीके से गोलाई में आएगा छह जगह से हमने फंदे बढ़ाए थे एक दो तीन चार पाँच और अब हम इसका दूसरा पार्ट बिनेंगे दूसरे पार्ट के लिए हमने बारह फंदे डाल लिए हैं अब ये फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिनेंगे यहाँ से भी इसी तरीके से उल्टा बिनेंगे और इस साइड से भी उल्टा एक लंबी पट्टी बना लेंगे इसके आगे फिर दिखाएंगे लंबी पट्टी हमने बना ली है ग्यारह इंच ग्यारह इंच हमने बना लिया है पहला फंदा बिना बिने हुए निकालेंगे दोनों साइड से इस तरीके का एक डिज़ाइन बनेगा अभी तक हमारे पास ये सिर्फ बारह फंदे थे अब यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे फंदा नीचे से ले रहे हैं एक फंदा हमने बढ़ा लिया है पहला फंदा यहाँ से भी बिना बिने हुए निकाल लेंगे यहां से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे फंदा एक ही साइड से बढ़ाएंगे एक साइड से उल्टा उल्टा बिन लेंगे बिना दोनों तरफ से उल्टा उल्टा पहली लाइन में अभी हमने यहां पर एक फंदा बढ़ाया था अब इस लाइन में नहीं बढ़ाएंगे निकाल दिया दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिन लेंगे अब यहाँ से फिर एक बनता बढ़ाएंगे नीचे से लेंगे एक फंदा फिर बढ़ गया अब पूरी सिलाई बिनेंगे फिर दूसरी सिलाई भी यहाँ से उल्टी उल्टी बीन लेंगे अब इस सिलाई में कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे चार रो हमने बना ली हैं अब यहां से हम सफेद कलर लगाएंगे पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे अब यहां से एक फंदा हमको बढ़ाना है फंदा नीचे से उठा लेंगे यहां से सफेद कलर से बिनना है एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया है अब ये पूरी सिलाई सफेद कलर से बिन लेंगे इस साइड से हमको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है सिर्फ एक साइड से बढ़ाना है अब सफ़ेद कलर से सीधा सीधा बीनना है जिस तरीके से हमने पहला पार्ट बीना है इस कलर से उल्टा उल्टा बिना है फिर सफेद कलर से फिर दूसरे कलर से उल्टा उल्टा फिर सफेद कलर से सीधा सेम इसी तरीके से बनाना है अब इस सिलाई में फंदा नहीं बढ़ाएंगे हर चौथी सिलाई में यहाँ से एक फंदा बढ़ेगा इधर से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा और बिनेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहला पार्ट बिना छह बार हमने इस कलर से बीन लिया है जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं एक दो तीन चार पाँच छ और सफ़ेद वाले एक दो तीन चार पाँच पाँच बार सफेद वाले अब यहां से हर दूसरी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे फंदा उसी तरीके से नीचे से लेंगे एक फंदा बढ़ गया है अब ये पूरी सिलाई बिन लेंगे उल्टी सिलाई पूरी बिन ली है अब इस सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है अभी तक हम फोर्थ सिलाई में फंदे यहाँ से बढ़ा रहे थे अब सेकंड सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे अब यहाँ से फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे अभी पूरी सिलाई बिन लेंगे फिर एक सीधी सिलाई बिनेंगे फिर यहाँ से फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे फंदे बढ़ाने के बाद छः बार हमने इस कलर से बिन लिया है एक दो तीन चार पाँच छ और छः बार सफ़ेद से एक दो तीन चार पाँच छ अब ये ठीक आधा हो गया है चार सिलाई हमने ये बिन ली है। पहला पार्ट हमने छ बार इस कलर से बिन रखा है छः बार सफेद से यहाँ तक ये यह हो गया है अब जो हमने ये दो सिल ये चार सिलाई बिन रखा है इस तरीके से ये यह यहाँ पर तक हमने बना लिया है इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे ठीक आधा हो गया है अब यहाँ से हम जिस तरीके से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए सेम उसी तरीके से फंदे घटा देंगे अभी तक यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा रहे थे अब यहाँ से एक फंदा घटा लेंगे यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे ये दो फंदे ले लिए दो का एक कर पूरी सिलाई बिनेंगे अभी इस सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना है यहाँ पर फिर उसी तरीके से ये दो फंदे ले लिए हैं दो का एक कर लेंगे बाकी पूरी सिलाई बिन लेंगे फिर एक सिलाई बिन लेंगे फिर यहाँ से फिर इसी तरीके से दो फंदों का एक करेंगे अभी तक हम हर सेकंड रो में फंदा यहाँ से घटा रहे थे यहाँ से यहाँ तक अब यहाँ से नीचे को हम फोर्थ सिलाई में फंदा घटाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ से ऊपर को फंदे बढ़ाए थे हर फोर्थ सिलाई में उसी तरीके से फोर्थ सिलाई में फंदे घटाते हुए इसे पूरा इसी तरीके से यहाँ तक बिन लेंगे दोनों साइड बराबर हमने ये बना लिया है अब जिस तरीके से हमने ये लंबी पट्टी इधर भी नहीं सेम उसी तरीके से इधर भी बिन लेंगे बारह फंदों की पट्टी बिनी थी अब ये बारह फंदे इधर भी बचे हैं फंदे घटा के अब सेम इसी तरीके से हम पट्टी बिन लेंगे दोनों साइड बराबर हमने ये बना लिए हैं अब ये दो पार्टों को हम जोड़ लेंगे जहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाए यहाँ से जोड़ेंगे इस तरीके से एक बार यहाँ से लेंगे और एक बार दूसरे पार्ट से यहाँ तक हमने ये जोड़ लिया है अब इसको सेम इसी तरीके से यहाँ से पूरा यहाँ तक जोड़ लगे पूरी टोपी हमने जोड़ ली है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें